नमस्कार, आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद प्रवक्ता इतिहास आप सभी का स्वागत करता हूँ। हर रोज आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास को पढ़ेंगे। ठीक। और आज अपना जो टॉपिक है बीए बीएड पार्ट फोर्थ में वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख अधिनियम, यानी प्रमुख अधिनियम। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में व्यापार करना प्रारंभ किया। व्यापार करते करते 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया। प्लासी पर युद्ध के बाद फिर 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल नवाब, बंगाल के नवाब आदि को परास्त कर संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर दीवानी और निजामती कार्य करने का अधिकार भी अपने हाथ में ले लिया, जो वास्तविक अर्थों में उन्हीं के पास था, किंतु सैद्धांतिक रूप से यह दिखाने के लिए बंगाल के नवाब के पास था। क्लियर। इस प्रकार कंपनी में धीरे धीरे भारत में लूटना प्रारंभ किया और लूटने के बाद कंपनी भारत में शासन करने लगी। शासन की क्या नियम थे, जो नियम बनाए गए थे, जो एक्ट थे, वो यही थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो शासन किया उसके लिए प्रमुख अधिनियम बनाए, एक्ट बनाए, वो महत्वपूर्ण है। और इन्हीं एक्ट और अधिनियमों को आगे चलकर भारत के संविधान का निर्माण हुआ। इन्हीं का भी महत्व है, साथ ही अन्य संविधानों से भी कुछ ना कुछ लिया गया और भारतीय संविधान बना, किंतु यह अधिनियम उनके आधारशिला में थे। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी प्रशासन के प्रमुख अधिनियम। क्लियर। जनरली इनके बारे में जानकारी। भारत के लोग यह समझते थे कि कंपनी के चार्टर की पुनरावृत्ति एक प्रकार से भारत को 20 वर्षों के लिए ठेके पर देना ही था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चार्टर को 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा देती थी। इसका मतलब यह था कि भारत को एक प्रकार से ठेके पर दे दिया गया, यानी आप इतने रुपए हमें दो और आप भारत में अपना शासन प्रशासन और लाभ कमाओ। ऐसी बात हॉलिडे कह रहे हैं। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने निशक्त मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से एक फरमान प्राप्त कर जिसमें कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब है कर से संबंधित भू राजस्व, टैक्स जो भी है वो दीवानी में कहलाते हैं। और दूसरा आता है निजामती, इसमें व्यवस्था की बात की जाती है। क्लियर। दीवानी और निजामती। उसके बदले कंपनी को 26 लाख रुपए वार्षिक मुगल सम्राट को देने थे, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और उसके अनुसार 26 लाख रुपए वार्षिक मुगल सम्राट को देंगे और बाकी वह इन तीनों स्टेट में लैंड रेवेन्यू लेंगे। क्लियर। जो भी टैक्स है वो यही लगाएंगे और इन्हीं से वसूला जाएगा। यानी मुगल सम्राट को मात्र 26 लाख रुपए दे दिए, जो आगे घटाकर 32 लाख कर दिए, क्योंकि जब कंपनी का शासन सशक्त होने लगा तो कंपनी ने
और इसको डाउन कर दिया कि मुगल सम्राट अब इतना नहीं बस हमें इतना नहीं कह पाएगा, इतना हम पर अधिकार नहीं जता पाएगा, अतः उनके अधिकार कम कर दिए। निजामत के कार्य के लिए देना था, परंतु चूंकि नवाब की आर्थिक एवं सैनिक स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी, चूंकि जो बंगाल का नवाब था उसकी दीवानी और निजामती दोनों प्रकार के जो अधिकार थे वो कम हो चुके थे, परंतु चूंकि नवाब की आर्थिक तथा सैनिक स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी, अतएव वह केवल नाम मात्र का नवाब ही रह गया, यानी बंगाल का जो नवाब था वो नाम मात्र का ही रह गया। कानून की व्यवस्था के अनुसार कंपनी ने दीवानी का कार्यभार, जिसमें भूमि कर, सीमा शुल्क लेना तथा दीवानी कानून व्यवस्था भी सम्मिलित थी, उप दीवान को सौंप दिया, यानी बंगाल में यह जो लैंड रेवेन्यू लेना था वो एक दूसरे को सौंप दिया। बंगाल के लिए रजा खां और बिहार के लिए शिताब राय, रजा खां और शिताब राय अब उप दीवानों के लिए, उप दीवानों ने अपने अपने प्रदेश का प्रशासन नाम मात्र तो मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब की ओर से करना था, परंतु वास्तव में प्रशासन केवल अंग्रेजी कंपनी के हाथ में ही था, यानी बंगाल और जो बिहार है उनमें रजा खां शिताब राय को उप दीवान नियुक्त कर दिया कंपनी ने, यानी मुखौटा लगा दिया भारतीयों का कि ये लगान वसूल करेंगे, किंतु वास्तविकता उन्हीं के हाथ में सत्ता थी। किले काम करते हैं, इसके फलस्वरूप अधिक से अधिक भूमि कर प्राप्त किया गया और भारतीय व्यापारियों को कम से कम मूल्य दिया गया, यानी इस व्यवस्था के अनुसार, यानी मुखौटा भारतीयों का और काम अंग्रेज कर रहे हैं, इसके अनुसार भारतीयों को जो से चीजें खरीदी गई उनको कम से कम पैसे में वो खरीद ली गई। संभवतः ऐसी भारत में पहले कभी लूट नहीं मची थी, यानी इस प्रकार की जो लूट है वो भारत में पहले कभी नहीं मची थी। इस समस्त प्रदेश की लगभग 40 लाख पौंड इनकम आय आंकी गई थी और यह आशा की गई थी कि कंपनी को बहुत सा लाभ होगा। उस समय ब्रिटेन संसद में यह सुझाव आया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अंग्रेजी सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, परंतु अंत में यह निश्चय हुआ कि कंपनी 4 लाख पौंड वार्षिक अंग्रेजों को दे दे और उसे कंपनी भारत की लूट में सम्मिलित कर ले, यानी 4 लाख पौंड वार्षिक अंग्रेज सरकार को दे दे, अंग्रेज सरकार ले ले और कंपनी में ब्रिटिश सरकार को भी लूट में सम्मिलित कर ले। कंपनी ने अपने भागीदारों का लाभांश 6.25% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया, 50% कर दिया उनके, परंतु कंपनी को आशातीत लाभ नहीं हुआ। उन दिनों कंपनी के निजी व्यापार करने की अनुमति थी, यानी उस समय जो ब्रिटिश कर्मचारी अधिकारी भारत में आते थे वह अपना निजी व्यापार करते थे, कंपनी के व्यापार को तिलांजलि दे देते थे। इस प्रकार कंपनी घाटे में जा रही थी, पर उसके जो कर्मचारी हैं, नुमाइंदे हैं, वो थैले भर भर के नोट कमा रहे थे, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए संपत्ति के रूप में भारत से लूट लिए गए। इसी बीच कंपनी ने मीर जाफर की मृत्यु पर 1765 में ही उसके पुत्र नजमुद्दौला को से निजामत का कार्य लेकर अपने ही मनोनीत व्यक्ति को उप दीवान रजा खां के हाथ में दे दिया, यानी निजामत का कार्य अब जो लागू करेंगे व्यवस्था उसका कार्य भी रजा खां को दे दिया, अर्थात वास्तविक शक्ति दीवानी और निजामती दोनों ही रजा खां द्वारा कंपनी के निर्देशन में चलाए गए, यानी निजामती और दीवानी जो दो कार्य हैं वो दोनों कंपनी के अनुसार ही चलाए गए। इनमें कर सीमा शुल्क आता था और इसमें व्यवस्था बनाने की बात की जाती थी। मोहम्मद रजा खां द्वारा कंपनी के निर्देशन में चलाई जाती यह दोरी प्रणाली 1765 से 1772 तक चलती रही। इस समय क्लाइव वेरेलस्ट तथा कार्टियर के गवर्नरी का काल था। इसमें नाम मात्र राज्य तो मुगल सम्राट का अथवा बंगाल के नवाब का था, किंतु वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी, यानी ये किन प्रकार की शक्ति अंग्रेजों के पास थी। इसी बीच
इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंध संचालक समिति द्वारा किया जाता था। इन संचालकों का चुनाव कंपनी के उन हिस्सेदारों में से किया जाता था जिनके पास कम से कम 500 पाउंड के हिस्से हो, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी के वे संचालक बनते थे जिनके पास 500 पाउंड का पूंजी लगाई हो, हस्तक्षेप नहीं करती थी। 1765 में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद यह कर्मचारी भारत से धनी बनकर इंग्लैंड लौटने लगे, वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अतः अच्छा, इंग्लैंड में यह आम भावना थी कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, यानी आम धारणा यह थी ये इतने लोग इतना पैसा कमा रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जरूर आर्थिक रूप से मजबूत है। वस्तुतः कंपनी की स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक थी, उसकी आर्थिक दीवें खोखली हो चुकी थी। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि यदि कंपनी के लिए जल्द ही से जल्द धन नहीं जुटाया गया तो कंपनी के अस्तित्व को ही खतरा हो सकता है। अतः कंपनी ने इस बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए। क्लियर, आगे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के पीछे कुछ घटनाएं थी वो देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, इसके पारित होने के कुछ कारण थे, यानी इंग्लैंड के जो आम लोग थे उनमें यह धारणा थी कि कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत थी, किंतु वहां के जो सर उस कंपनी के जो सर नुमाइंदे थे वो भारत में जाते और खूब धन कमाते और इंग्लैंड की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, किंतु कंपनी की वास्तविक स्थिति बहुत खराब थी। अतः कंपनी में अगर जल्द से जल्द इसके लिए कदम नहीं उठाए गए तो कंपनी मुसीबत में पड़ सकती थी। किंतु 1773 के बीच जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके पीछे ये घटनाएं थी, थोड़ी सी वो भी देखेंगे। दोहरी प्रणाली के अधीन भारतीय प्रजा पर होते हुए अत्याचार के विषय में एक समकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने अपनी पुस्तक सियार उल मुख्तरीन में भी लिखा गया कि कहा गया कि जनता के हितों की पूर्णतः अनदेखी करते हुए कंपनी ने अपने अधिकारियों को प्रजा पर अत्यंत अत्याचार करने की अनुमति दे दी। यानी सियार उल मुख्तरीन में इस बात का जिक्र है कि कंपनी ने के जो नुमाइंदे थे, जो सैनिक थे, जो अधिकारी थे, वो भारतीयों पर अगिनत अत्याचार कर रहे थे और भारतीय जनता के हितों की अनदेखी कर रहे थे। इसी बीच 1770 में एक भीषण अकाल पड़ा जो संभवतः भारत के लिखित इतिहास में सबसे भयानक था। यानी 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, भयानक था। कंपनी ने इस अकाल की भीषणता को कम करने का लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं किया। यानी कंपनी ने इस भीषण अकाल में जनता के दुखों को बिल्कुल भी नहीं देखा, लेश मात्र भी नहीं देखा और ना ही प्रयत्न किया, बल्कि अंग्रेज व्यापारियों ने इससे भी अनुचित लाभ कमाने की सोची, धन कमाने की सोची। अकाल में भी एक अंग्रेजी लेखक लेकी ने यहां तक कहा कि भारतीयों ने ऐसी कठोर और तीक्ष्ण निर्दयता संभवतः है पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यानी लेकी जो लेखक है वो कह रहे हैं कि इससे पहले भारतीयों ने इस तरह की जो तीक्ष्ण निर्दयता पहले कभी भी सहन नहीं की होगी या अनुभव नहीं की होगी। वारेन हस्टिंग के 1772 में 1772 भारत में आने के से पूर्व 12 वर्ष तक अंग्रेजी व्यापारी बंगाल से लूटे हुए सोने के थैले भरकर इंग्लैंड लौटते रहे। इन अंग्रेजी नवाबों को समकालीन अंग्रेजी अभिजात वर्ग जिस तिरस्कार और ईर्ष्या तथा घृणा की दृष्टि से देखता था समकालीन स्मरणों तथा व्यवहार से स्पष्ट है। यानी बात हो रही कि ये लोग जो पैसे लूट कर भारत से जा रहे थे उनको
इंग्लैंड के जो अभिजात वर्ग है, पैसे वाले लोग हैं, वो बड़ी घृणा, तिरस्कार और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे और पत्र व्यवहार में भी इस तरह की बातें करते थे। जैसे कंपनी की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति बहुत दिनों तक छुपी नहीं रह सकी। कंपनी ने पहला कार्य किया कि 4,00,000 पाउंड वार्षिक जो अंग्रेजी सरकार को देना था उसमें छूट मांगी गई। यानी ब्रिटिश सरकार ने कहा 4,00,000 पाउंड हमें प्रतिवर्ष मिलने चाहिए, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्होंने कहा कि हमें ये 4,00,000 जो पाउंड आपको दे रहे हैं उसमें हमें छूट दी जानी चाहिए। कंपनी पर ऋण का भार बढ़ता गया, मात्रा बढ़ती गई। वार्षिक लेखों को झुठलाकर कंपनी ने 1772 में भी 12.50% लाभांश जारी रखा। यानी इतनी दयनीय स्थिति होने के बाद भी कंपनी के जो संचालक है उनको 12.50% का लाभ निश्चित रूप से दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था थी। और वह उस समय तक जबकि कंपनी पर 60,00,000 पाउंड का ऋण था, यानी कंपनी पर 60,00,000 पाउंड का ऋण हो गया, तब तक उन्हें 12.5% तक की लाभांश दिया गया। यानी कंपनी डूब जा रही है, फिर भी जो उसकी जो संचालक है, जो उसमें शेयर धारक है, उनको 12.5% का लाभ दिया गया। जब बंगाल में अकाल का तथा हैदर अली के कर्नाटक पर सफल आक्रमणों का समाचार लंदन पहुंचा तो कंपनी के शेयरों के मूल्य में तेजी से गिरावट आ गई। यानी हैदर अली ने जो कर्नाटक में विजय हासिल की थी उसका समाचार इंग्लैंड पहुंचा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों में कमी आ गई थी, उसके अलावा शेयर नीचे गिर गए थे। शीघ्र ही लोगों को कंपनी की वास्तविक स्थिति का पता चल गया। निराश होकर डायरेक्टरों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10,00,000 पाउंड का ऋण मांगा। यानी अब कंपनी को चलाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर हैं तो उन्होंने इंग्लैंड सरकार से 10,00,000 पाउंड का ऋण मांगा। संभवतः कंपनी की स्वतंत्रता का अंत था। लॉर्ड नॉर्थ ने इस ऋण के प्रार्थना पत्र को ब्रिटिश संसद की स्वीकृति के लिए भिजवा दिया, जहां उसके दोनों दलों में बहुमत था। संसद की एक प्रवर समिति इस प्रार्थना पत्र की जांच के लिए नियुक्त की गई। यानी आपको 10,00,000 पाउंड चाहिए, आपने कारण बताया है, ऐसे इंग्लैंड की सरकार ने इसकी जांच हेतु एक प्रवर समिति का गठन किया। प्रवर समिति के अध्यक्ष जनरल बरगायन था। उसने विवाद में बोलते हुए कहा था, महान अत्याचार और क्रूरता जो किसी असैनिक सरकार के नाम को धब्बा लगा सकती है उसे सुधारने की आवश्यकता है, और यदि किसी कारण प्रभुसत्ता और व्यापार को अलग नहीं किया गया तो भारत और इंग्लैंड दोनों ही इतने नीचे गिर जाएंगे और डूब जाएंगे कि उनका पुनरुत्थान नहीं हो सकेगा। यानी बरगायन ने भी ये कही कि जो असैनिक सरकार है भारत में, जो इतने अत्याचार कर रही है और इंग्लैंड के लोग जो इतना लाभ कमा रहे हैं, अगर इसको तुरंत नहीं रोका गया तो भारत और इंग्लैंड दोनों इतने नीचे गिर जाएंगे कि वापस ऊपर उठने की कोशिश में भी नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि डायरेक्टरों के व्यवहार पर लोगों को बहुत संदेह था। मार्च 1772 में उन्होंने लाभांश की घोषणा फिर 12.5% कर दी। यानी 1772 में स्थितियां बहुत खराब थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, फिर भी उन्होंने जो कंपनी के जो शेयर धारक हैं उनके लाभांश 12.50% ही रखे और घोषणा कर दी। उसी वर्ष 10,00,000 पाउंड के ऋण का प्रार्थना पत्र सरकार को दिया गया था। यही विसंगति इतनी स्पष्ट थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स की एक दूसरी गुप्त समिति की नियुक्ति करनी पड़ी। यानी फिर भी कंपनी में जो अनाउंस हो रहा है, जो घोषणा हो रही है, वो कह रहे हैं हम आपको लाभ होगा वही देंगे और कंपनी जो ऋण मांग रही है, अतः एक गुप्त समिति का गठन किया गया ताकि इसका कारण पता किया जाए। एक कंपनी जिसके अधिकारी इंग्लैंड को धन से मालामाल होकर लौटे क्यों वह दिवालिया हो जाए, यह एक अद्भुत प्रश्न था। यानी जिस कंपनी के कर्मचारी तो पैसे वाले होकर लौट रहे हैं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पैसे वाले होकर लौट रहे हैं, वही इंग्लैंड के जो लोग हैं वो बैंकों में जिनका पैसा है वह ऋण ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दें और यह भी डूब जाए तो वो लोग क्या बोलते हैं ना, दिवालिया हो जाए। ये एक विडंबना वाली बात थी, यह अद्भुत प्रश्न था। यानी कर्मचारी तो मालामाल हो रहे हैं और शेयर धारक मालामाल हो रहे हैं और कंपनी घाटे में जा रही है और कंपनी ऋण मांग रही है। अब ऋण आम लोगों का जो पैसा है वो ऋण के रूप में दिया जाए तो आम लोग जो हैं पैसे वाले पैसे दे रखे हैं तो वो क्या दिवालिया हो जाए, ऐसी बात थी। तो यह एक अद्वितीय प्रश्न था, यानी दो विरोधाभास वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
अगले वर्ष वसंत में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जैसा कि आशा थी, यह रिपोर्ट अत्यधिक दोष सूचक थी, अतएव संसद ने दो अधिनियम पारित किए। प्रथम के अनुसार कंपनी को 4% की ब्याज पर 14 लाख पाउंड कुछ शर्तों पर ऋण दिया जाएगा, यानी आपको 14 लाख पाउंड ऋण दिया जाएगा, पर उसकी 4% ब्याज भी लगेगा और उसकी कुछ शर्त भी है। दूसरी, कंपनी अधिनियम द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस विधेयक का कंपनी तथा उसके मित्रों ने डटकर विरोध किया, यानी रेगुलेटिंग जो एक्ट पारित किया, इसका जो संबंध है उसके कंपनी के जो डायरेक्टर थे, उनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने डटकर विरोध किया कि यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अगर होगा तो हमारे सारा जो बोलते हैं ना, व्यापार का अंत हो जाएगा, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो सब लॉस हो जाएगा। इस प्रकार कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट को मानना पड़ा उनको और यह लागू भी हुआ। इसकी शर्तें क्या थी मोटे रूप में आप देखें तो आपको मैं जनरली बता देता हूँ, फिर इसके विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। यह इसमें लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट में, कंपनी ने भारत में लगातार युद्ध किए थे तथा इन युद्धों में अत्यधिक मात्रा में धन खर्च हुआ था, परंतु इन युद्धों के फलस्वरूप उसे कोई लाभ नहीं हुआ। क्लियर, ये इसकी एक्ट की बात थी कि इससे लाभ नहीं हुआ, अतः भविष्य में युद्ध प्रॉफिट देखकर ही किया जाएगा। दूसरा, यद्यपि कंपनी ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त तो कर लिया, किंतु इस दीवानी से कंपनी को जो राजस्व प्राप्त होना था वह नहीं हुआ, यानी बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी कंपनी को मिल गई थी उनसे जो लाभ होना था वो कंपनी को नहीं हुआ। कंपनी को लाभ होगा कैसे जब उसके जो नुमाइंदे वो निजी व्यापार में लिप्त हैं, घूसखोरी में लिप्त हैं और अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, वैसे धन वसूल करके इंग्लैंड लौट रहे हैं, वो प्रॉफिट में हो जा रहे हैं, कंपनी डूबी जा रही है। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार में लगे थे, इस निजी व्यापार के कारण कंपनी के व्यापार की उपेक्षा कर रहे थे, कंपनी का निजी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। कंपनी के प्रोप्राइटर हिस्सेदार ने कंपनी के लाभांश को बढ़ाना शुरू कर दिया। संसद में इन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ था। फिर अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख धाराएं। धाराएं क्या थी? पहली, कंपनी के संचालकों के चुनाव में वही व्यक्ति मत देने का अधिकार होगा जिसके पास कंपनी के 1000 पाउंड शेयर होंगे, 1000 पाउंड के शेयर होंगे, यानी पहली बात तो यही है 1000 पाउंड जिसके पास कंपनी के शेयर होंगे 1000 पाउंड के, वही उसमें भाग लेगा। और इससे पहले मताधिकार 500 पाउंड वाले व्यक्ति के हाथ में था, यानी मत देने का जो अधिकार है या भाग लेने का अधिकार है जो 1000 पाउंड कर दिया गया है, जो पहले कितना था 500, जो पहले 500 था। दूसरा, कंपनी संचालक का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष का होगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इसके जो संचालक है, पहले यह 1 वर्ष का कार्यकाल होता था, अब 4 वर्ष का कर दिया। और 6 सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाएंगे, 1 सदस्य ही के चुनाव दोबारा चुनने से पूर्व 1 वर्ष का अवकाश होगा। जिन व्यक्तियों के पास 3, 7 व 10 हजार पाउंड के मूल्य शेयर थे उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 मत देने का अधिकार दिया गया, यानी 2, 3 और ऐसे बढ़कर जो शेयर हैं उनको 1000 पे 1 वोट, 2000 पे 2 वोट, ऐसी बात की व्यवस्था की गई। कंपनी में भारत में कंपनी के लिए एक गवर्नर ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की व्यवस्था लागू की गई, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, निर्माण किया गया। उसकी सहायता के लिए 4 उसके सब्स्टिट्यूट और बने, यानी गवर्नर जनरल इन 4 के निर्देशन में भी कार्य करेगा। और गवर्नर जनरल के लिए वारेन हेस्टिंग का नाम का उल्लेख किया गया, यानी वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर बना बंगाल का, वारेन हेस्टिंग। 4 सदस्यों के लिए बोरवेल फ्रांसिस क्लेरिंग मॉनसन के नाम का उल्लेख किया गया। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया, यानी इनके लिए सदस्य थे 4, इनका 5 वर्ष का कार्यकाल था। कि काउंसिल के निर्णय के बहुमत के आधार पर करेंगे, यानी बहुमत जिसका होगा वह उसके सदस्य बनेंगे। बंबई और मद्रास के गवर्नर
पर और कंपनी की शाखाओं को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया है, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल अब जो भारत में ब्रिटिश प्रांत जा जा भी हैं वहाँ के सारे अधिकारों का सारे जो अधिकार थे गवर्नर जनरल के हाथ में कर दिए गए। इन दोनों गवर्नरों को अपनी विदेश नीति यानी मुंबई और मद्रास दो गवर्नर जनरल बने थे की नीति बंगाल की काउंसिल के निर्देशन में कार्य करने के लिए कहा गया। बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यानी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने की बात कही गई थी 1773 के एक्ट में, और इसके प्रथम न्यायाधीश एलिन इम्पे थे। कंपनी के संचालक में भारत में स्थित कंपनी के बीच जो पत्र व्यवहार होगा उसकी एक प्रति इंग्लैंड सरकार को भी भेजी जाएगी, यानी कंपनी के जो संचालक भारत जो इंग्लैंड में है और उनके गवर्नर जनरल और उनके जो अन्य नुमाइंदे हैं वो भारत में हैं, इन दोनों के मध्य अगर कोई पत्र व्यवहार होगा तो उसकी एक प्रति इंग्लैंड सरकार को भी भेजी जाएगी। क्लियर, ये रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख बातें हैं। अब थोड़ा सा इसका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। रेगुलेटिंग इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में इंग्लैंड तथा भारत दोनों में ही परिवर्तन लाए गए। इंग्लैंड में स्वामियों के अधिकरण कोर्ट ऑफ प्रोप्रेटराइज में वोट देने का अधिकार उन व्यक्तियों को दिया गया जो चुनाव में कम से कम एक वर्ष पूर्व 1000 पाउंड के शेयर के स्वामी रहे, यानी 1000 पाउंड के जो स्वामी रहे वो उसमें मत देने का अधिकार उनको होगा। यह निश्चय किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। डायरेक्टरों की संख्या 24 होगी जिसमें 25% प्रति वर्ष अवकाश प्राप्त होंगे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य होंगे 24। क्लियर, और 25% प्रति वर्ष चुने जाएंगे और प्रति वर्ष इसके 6 सदस्य 1/4 फ्री हो जाएंगे यानी चले जाएंगे, और वापस अगर उनको चुनना है तो 1 साल उनमें गैप होना चाहिए, उसके बाद वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ सकते हैं। डायरेक्टरों को यह आदेश हुआ कि वे वित्त विभाग के समान भारत प्रशासन तथा राजस्व संबंधी राज्य सचिव के सम्मुख सैनिक और असैनिक प्रशासन संबंधी सभी पत्र व्यवहार प्रस्तुत करें। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों का नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। यद्यपि यह अधिकार अपूर्ण था, यानी भारत जो ब्रिटिश के जो मंत्री थे उनको यह अधिकार दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो शासन संचालन कर रही है उन पर कानून बनाए और उनकी व्यवस्था देखे। बंगाल के एक प्रशासन मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष के रूप में तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। इस मंडल में बहुमत से निर्णय लिया गया, यानी ये 4 सदस्य और 1 गवर्नर ये 5 थे, यह बहुमत के आधार पर कोई बात का निर्णय लेंगे। निर्णय अध्यक्ष केवल मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, यानी जो 4 सदस्य है अगर किसी बात को लेकर 2 अलग है तब गवर्नर जनरल उसमें अपना मत निर्णायक रूप में दे सकता है, उससे पहले अगर 3 एक साथ है तो वही बात मानी जाएगी। इसके पार्षद फिलिप फ्रांसिस क्लेवरी मॉन्सन बर्वेल का नाम तो अधिनियम में ही लिख दिया गया था। ये 5 लोग 5 वर्ष के लिए चुने गए थे। यह केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हटाए जा सकते थे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर सिफारिश करेगा तो ब्रिटिश सरकार ही इन्हें हटा सकती है, कंपनी इन्हें हटा नहीं सकती। भावी नियुक्तियां कंपनी द्वारा की जानी थी, यानी भावी जो नियुक्तियां थी वो कंपनी द्वारा की जानी थी, यानी ये जो 4 सदस्य हैं गवर्नर जनरल हैं इनकी नियुक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की जाती थी, नियुक्त किए जाते थे। सह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंसी के सैनिक तथा असैनिक प्रशासन का अधिकार दिया गया। उसे कुछ विशेष मामलों में मद्रास तथा मुंबई की प्रेसिडेंसियों के अधीक्षण में भी काम करना था। अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई क्राउन आज्ञा पत्र द्वारा एक सर्वोच्च तथा 3 छोटे जज वाला एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी की स्थापना करे। इस सर्वोच्च न्यायालय का सामान्य न्याय तथा देश विधि न्यायालय नौसैनिक विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में काम करना था, यानी इसे विभिन्न जो न्यायालय हैं उनके प्रति काम भी करना था, जिनमें जो सिविल सर्विसेज है
लॉ ऑफ इक्विटी है, समानता का अधिकार है, देश में विधिक विधायी न्यायालय है, नौसैनिक विधि है तथा धार्मिक मामलों में भी न्याय करना था। कंपनी के कार्यकर्ता ने न्याय क्षेत्र में दिए गए सभी अंग्रेज प्रजा, चाहे अंग्रेज हो अथवा भारतीय, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इस न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि कंपनी की सेवा तथा सम्राट की सेवा में भाग लेने के विरुद्ध मामले कार्रवाई तथा शिकायत को की सुनवाई कर सके, यानी जिन्होंने कंपनी के विरोध में कार्य किया हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में कार्य किया हो या ब्रिटिश महारानी या कानूनों के विरोध में कार्य किया हो, तो उनके प्रति जो मुकदमे लागू होते हैं उन सबको सुनने का अधिकार इनको दिया गया। इस न्यायालय को इंग्लैंड में प्रचलित सभी न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय करने का अधिकार दिया गया। इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी। इस न्यायालय को अंग्रेजी परंपरा के अनुसार पंचों की सहायता से मुकदमे की सुनवाई करनी थी, यानी ये जो न्यायालय होंगे वो ज्यूरी यानी पंच यानी पांच जो न्यायालय होंगे उनके अनुसार ही मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया। यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और सर एलिस इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे और लेमेस्टर तथा हाइड छोटे न्यायाधीश नियुक्त किए गए, यानी पहला न्यायालय कलकत्ता में खोला गया। एलिस इम्पे पहले न्यायाधीश थे भारत में सुप्रीम कोर्ट के। रेगुलेटिंग एक्ट ने एक ईमानदार शासक का आधारभूत सिद्धांत निश्चय किया कि कोई व्यक्ति कंपनी के अधीन सैनिक अथवा असैनिक पदाधिकारी हो, वह किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, दान, पारितोषिक इत्यादि नहीं ले सकता है। यानी जहाँ कंपनी के जो नुमाइंदे थे, अधिकारी थे, वे पहले अपने निजी व्यापार करते थे, उपहार लेते थे, वह अब सारा बंद कर दिया। अब ये जो काम है ये कोई भी नहीं करेंगे और कंपनी का जो व्यापार है उसको ही बढ़ावा देंगे। जिनमें उपहार नहीं लेंगे, दान नहीं लेंगे, पारितोष नहीं लेंगे, पुरस्कार नहीं लेंगे आदि थे। कंपनी के कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ा दिए गए, यानी कंपनी के जो कार्य करते थे वो सोचते थे वो गरीब है या फिर उनके पास पैसे की कमी है, तो उनका वेतन बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को 25,000 पाउंड, पार्षदों को 10,000 पाउंड, यानी गवर्नर जनरल जो बंगाल का था इसको 25,000 पाउंड, इसके जो ये चार पार्षद है उनको 10,000 पाउंड का मुख्य तथा मुख्य न्यायाधीश को जैसे एलिन इम्पे जी है इनको 8,000 पाउंड, चाचा छोटे जो न्यायाधीश थे दो उनको 6,000 पाउंड दिए गए जो संभवतः है समकालीन भारत समस्त संसार के सबसे ऊंचे वेतन थे। यानी भारत में इतनी लूट हो रही थी कि ये जो वेतन दिए जा रहे थे वो विश्व में सबसे ऊंचे वेतन इनको दिए जा रहे थे। ये एक शोचनीय प्रश्न है कि भारत को कितना लूटा गया था और इस लूट में इनका वेतन इतना बढ़ गया कि भारत ही नहीं संसार में इनके बराबर वेतन किसी को नहीं मिलता था जो इनको मिलता है। क्लियर। वार्षिक दिए गए जो संसार में सबसे अधिक वेतन थे, यानी वार्षिक भी दे रहे हैं फिर भी संसार के सबसे अधिक वेतन थे। इस प्रकार ये 1773 का जो अधिनियम है वो है। नेक्स्ट इसकी आलोचना, रेगुलेटिंग एक्ट की आलोचना। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में इंग्लैंड तथा भारत दोनों में ही परिवर्तन आया। इंग्लैंड में स्वामियों के अधिकरण में वोट देने का अधिकार केवल उन लोगों को दिया गया जो चुनाव में कम से कम एक अधिनियम की आलोचना। अधिनियम के गवर्नर जनरल तो नियुक्त कर दिए गए परंतु उस पर एक परिषद लाद दी जिससे वह पूर्णतः असहाय हो गया, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग के साथ हुआ। अधिनियम ने न्यायालय तो स्थापित कर दिया परंतु उसे कौन से कानूनों के अनुसार संचालन किया जाना है, भारतीय या ब्रिटिश, यानी भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वह कौन से संविधान की बात कर रहा है, कौन से कानूनों की बात कर रहा है, भारत में जो परंपरागत चल रहे थे उनकी या इंग्लैंड में जो परंपरागत चल रहे थे उनकी, कौन से कानूनों के अनुसार शासन करना था, न्याय करना था, यह पता नहीं था। परंतु यह निश्चित था और न्याय परिषद तथा न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निश्चित किया गया। अधिनियम कुछ मामलों में जानबूझकर चुप था तथा यह एक प्रकार का समझौता था। इससे स्पष्ट रूप से क्राउन की प्रभुसत्ता को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया और न ही बंगाल के नवाब प्रभुसत्ता पर आघात किया। वे राज्य सरकार को कंपनी पर डायरेक्टरों
को अपने अपने सेवकों पर, गवर्नर जनरल पर, परिषद पर अथवा कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मद्रास तथा मुंबई पर पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से नियंत्रण नहीं दिया गया। यह अधिनियम अवरोध तथा संतुलन की नीति पर आधारित था, यानी अवरोध, किसी अगर कोई घटना घट रही है तो उसको रोक दो और संतुलन बना दो। अवरोध तथा संतुलन की नीति पर यह एक्ट था आधारित था। वास्तविक स्थिति के दबाव के अधीन तथा आंतरिक त्रुटियों के कारण यह छिन्न भिन्न हो गया, अतएव हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के मुख्य दोष में से थे गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद का आपस में झगड़ा अनिवार्य था, यानी गवर्नर जनरल अगर कोई काम करता तो उसकी परिषद उसे रोक देती, तो दोनों के मध्य झगड़ा होना अनिवार्य था। उच्चतम न्यायालय जिसमें अंग्रेजी कानून लागू भी होता तो बंगाल में पूर्व की स्थिति अन्य न्यायालयों में आपसी संबंधों में अनियमितता थी, यानी ब्रिटिश सरकार के कानून अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित था वो अगर लागू करता तो बंगाल के जो छोटे न्यायालय थे वो तो बंगाल के अनुरूप ही शासन कर रहे थे और उन्हीं की विधि के अनुसार निर्णय दे रहे थे, तो दोनों में विरोधाभास की स्थिति थी। इसके अतिरिक्त परिषद तथा उच्चतम न्यायालय के आपसी संबंध भी अनिश्चित है, यानी परिषद और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके संबंध भी अनिश्चित है, यानी परिषद क्या क्या करवाना चाहती है, न्यायालय किस पे निर्णय दे, इसमें भी विरोधाभास की स्थिति थी। जहां तक कि आपस में विरोध हो गया, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में लागू करना उच्च न्यायालय की अपनी इच्छा पर निर्भर था, यानी गवर्नर जनरल ने अगर वो कानून बनाया तो उच्चतम न्यायालय में उसे लागू करना वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता था, यानी गवर्नर जनरल के दबाव में नहीं थे। इस प्रकार प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाग के अधिकार क्षेत्रों की अस्पष्ट इस अधिनियम का एक महान दोष था। गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसिडेंसियों का पूर्ण रूपे अधिकार नहीं दिया गया, यानी विशेष स्थिति में अधिकार दिया गया, पूरा अथवा पूरा अधिकार नहीं दिया गया। इसी कारण कार्यान्वित के समय यह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, यानी इस जो व्यवस्था है यह है इसमें कुछ खामियां थी, इस वजह से इसमें मुख्य रूप से न्यायिक खामियां थी कि सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किस प्रकार कार्य करें, दोनों के जो अधिकार क्षेत्र है वो स्पष्ट नहीं किए गए, न ही गवर्नर जनरल को पूरी तरह से अधिकार दिए गए कि वह इन कार्यों को संपादित कृपार किस प्रकार करवा सकता है। फिर भी अधिनियम का कुछ महत्व है। रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा सुदूर सभ्य लोगों के देश में प्रशासन करने का प्रयत्न प्रथम प्रयत्न था, यानी सुदूर भारत में इस प्रकार से शासन करने का यह प्रथम प्रयत्न था। उत्तरी अमेरिका की नाई भारत ऐसा देश नहीं था, यानी उत्तरी अमेरिका के अनुसार भारत वैसा देश नहीं था जहाँ यूरोपीय लोग ही रहते थे, वहाँ तो यूरोपीय लोग ही रहते थे, क्योंकि भारत इंग्लैंड में अगर कोई बदमाशी करता या अपराध होता तो उसे काला पानी की सजा अमेरिका में भेज दिया जाता या उसे वहाँ पर छोड़ दिया जाता था, उसे खेती करवाई जाती थी। कुछ लोग शांत स्थिति पाने के लिए वहाँ पर चले गए, कुछ वहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के लिए वहाँ चले गए, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहां पर चले गए, क्लियर। यूरोपीय लोग ही रहते थे जहां यूरोपीय संस्थाओं को लागू करना तथा चलाना सरल था। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रदेश दक्षिणी अमेरिका की भांति नहीं थे जो एक अविकसित देश हो। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट एक अनजान समुद्र में नाव चलाने की भांति था। इसमें भारत के प्रशासन का ब्यौरा कंपनी अपनी युक्तियों पर छोड़ा गया था। इसके द्वारा बंगाल, मद्रास, बंबई में एक ईमानदार तथा कुशल प्रभुसत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। कंपनी के अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके इस उद्देश्य से इन्होंने कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया। इंग्लैंड में कोई भी सरकारी पदाधिकारी कानून की परिधि से बाहर नहीं था और वह अपने कार्यों के लिए साधारण न्यायालय में उत्तरदायी था, यानी इंग्लैंड में भी कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो वह साधारण न्यायालय के प्रति भी उत्तरदायी होगा। अतएव थोड़े में हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम अधिक अच्छा प्रशासन स्थापित करने के लिए एक प्रयत्न था, परंतु चूंकि समस्याओं का पूर्ण ज्ञान नहीं था तथा यह अधिनियम अज्ञान में बनाया गया, अतएव पूर्णतः असफल रहा, यानी भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान ब्रिटिश सरकार को नहीं था। उन्होंने एक अभिधान बना दिया जैसे बगैर जाने पहचाने समुद्र में अपनी नाव उतार दी, अतः यह एक्ट पूर्णतः असफल रहा तथा वॉरेन हेस्टिंग की स्थिति दृढ़ नहीं हुई अपितु उसके लिए कठिनाइयां बढ़ी, यानी वॉरेन हेस्टिंग की स्थिति जो थी वह और कमजोर हो गई। वह यह निर्णय नहीं ले पाया कि कौन से निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू करवाया जा सकता है।
अगर कोई कानून बनाता है तो उसके जो चार पार्षद हैं वो उसमें रोक लगा देते हैं, आदि अन्य बातों से वह बड़ा कंफ्यूज था। रेगुलेटिंग एक्ट 11 वर्ष तक चलता रहा, फिर 1784 में इसके स्थान पर पिट का इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। वॉरेन हेस्टिंग ही ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने इस अधिनियम के अनुसार भारत में प्रशासन किया था, यानी रेगुलेटिंग एक्ट ही एक ऐसा एक्ट था जिस पर वॉरेन हेस्टिंग ने शासन किया था, बाकी कोई नहीं था। यानी वही उसको समझना चाह रहा था, वही उसको देखना चाह रहा था, उसके अलावा कोई भी नहीं गवर्नर जनरल नहीं था जो इस प्रकार की विरोधाभासी स्थिति में शासन प्रशासन कर सके। तो यह आपके सामने रेगुलेटिंग एक्ट मैंने बता दिया। साथ ही इसके बाद एक 1781 में संशोधनात्मक विधेयक भी पारित किया गया, फिर पिट इंडिया एक्ट पारित गया, यानी एक छोटा सा एक्ट था और उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। तो इस क्लास में अपने रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा, अब नेक्स्ट अगली वाली क्लास में आगे के अधिनियमों को पढ़ेंगे और भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो प्रमुख अधिनियम है उनकी चर्चा परिचर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी। धन्यवाद।